नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो प्यार बच्चों, कल मैंने आपके लिए एक पॉलिटिकल साइंस का जो है राजनीतिक थ्योरी से संबंधित 5-6 क्वेश्चन मैं लेकर आया था। उम्मीद करता हूँ आपने उनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। इस वीडियो के माध्यम से फिर मैं आपके से जुड़ने वाला हूँ और इसमें भी मैं 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, खास इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए हैं और आने वाले हैं। तो इन सवालों को आप कहाँ तक जानते हैं, कहाँ तक इनके बारे में जानकारी रखते हैं, वो चीज़ें आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। साथियों, मैं बता दूं कि आपकी सफलता में किसी ना किसी का योगदान ज़रूर होता है, क्योंकि आपके द्वारा की गई मेहनत से ही सब कुछ हासिल नहीं होता है, आप किसी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट जुड़े हुए ज़रूर हैं। बात करूँ साथियों, क्योंकि हमारी उपलब्धियों में दूसरों का भी योगदान होता है, क्योंकि समुंदर में भले ही पानी अपार है पर सच तो यही है कि वो भी नदियों का उधार है। तो साथियों, आप की सफलता में हमारा भी कुछ परसेंट योगदान हो, इसलिए इन 10 क्वेश्चनों को आपको लेकर आया हूं, क्योंकि आपको कई किताबों को पढ़ना होगा, स्टडी करनी होगी। तो एक किताब का निचोड़ मैं आपके बीच में लाने वाला हूं, जिससे कि उसकी मेहनत आपको ना करनी पड़े और उसका पूरा का पूरा जो प्योर जो डाटा है मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। इसलिए मैं डेली आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। बेल आइकन को अभी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय पर पहुंच सके। तो साथियों देखो, आज का पहला सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक है? वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किस व्यक्ति की आत्मकथा का शीर्षक है? ऑप्शन आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी, ऑप्शन दूसरा है नेल्सन मंडेला, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा है आंग सान सू। सही उत्तर क्या होगा साथियों, सेकंडों में इसका आंसर देने का प्रयास करें। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, इसका सही उत्तर होगा नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला एक जो है रंग भेद नीति का शिकार भी हुए थे और इन्होंने नस्ल भेद और रंग भेद नीति के लिए कई संघर्ष किया था और ये राष्ट्रपति के जो दक्षिणी अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने थे साथियों। और बात करते हैं, इनका लंबा जो संघर्ष था वो महात्मा गांधी के जैसा ही था, इसलिए महात्मा गांधी में और इनमें कहीं ना कहीं समानता जरूर देखी जाती है। अगला जो क्वेश्चन है साथियों, फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक की रचयिता कौन है? फ्रीडम फ्रॉम फियर पुस्तक की रचयिता कौन है साथियों? पहला ऑप्शन है आंग सान सू, विजयलक्ष्मी पंडित, तीसरा है सलमान रुश्दी और चौथा है दीपा मेहता। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा आंग सान सू की। आंग सान सू की के बारे में आप देखोगे तो आपको 11वीं कक्षा की जो पुस्तक है उसके NCERT में बिल्कुल इसके बारे में ज़रूर मिल जाएगा। ये कौन थी? तो ये म्यांमार की एक जननेता थी, जिन्होंने लोकतंत्र की स्थापना के लिए लंबा संघर्ष किया था। लोकतंत्र की स्थापना क्या म्यांमार में नहीं थी? तो साथियों, वहाँ पर एक सैनिक शासन व्यवस्था थी, जिसके लिए आंग सान सू ने लंबा प्रयास किया था। कई बार जेल गई थी, कई वर्षों तक जेल रही थी और 1991 में इन्हें शांति का नोबल पुरस्कार दिया था। साथियों, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है उसको भी आप देख सकते हैं, मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भैंसे मुक्ति है, यह कथन है क्या JS मील का है, क्या ये लॉक का है, या नेल्सन मंडेला का है, या आंग सान सू की का है? सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा आंग सान सू की। ठीक है, चौथे नंबर का आप क्वेश्चन देख सकते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता से क्या आशय है? पहला ऑप्शन आप देखिए, ऐसी स्थितियों का होना जिसमें लोग अपनी प्रतिमाओं का प्रतिभा का विकास कर सके। दूसरा ऑप्शन आप देखिए, व्यक्ति की रचनाशीलता और क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन आप पढ़िए, युक्तियुक्त प्रतिबंधों से युक्त स्वतंत्रता। चौथा ऑप्शन आप देखिए, व्यक्ति पर भारी प्रतिबंधों का अभाव। इनमें से आपको ये बताना है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब इनमें से सही कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, आपने पढ़ा होगा तो आप ज़रूर बता पाओगे, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, व्यक्ति पर भारी प्रतिबंधों का अभाव ही नकारात्मक स्वतंत्रता होती है। और जो तीन बिंदु आप देख रहे हैं ये सकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है साथियों। पांचवा क्वेश्चन आपके लिए है, स्टुअर्ट मिल की पुस्तक का नाम है, स्टुअर्ट मिल की पुस्तक का नाम आपको बताना है, क्या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, या फ्रीडम फ्रॉम फियर है, या फिर ऑन लिबर्टी है, या द सैंटानिक वर्सेज है? सही उत्तर क्या है इसका? तो मैं आपको बता दूं साथियों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की पुस्तक है, जबकि फ्रीडम फ्रॉम फियर ये आंग सान सू की है, ऑन लिबर्टी जो है ये स्टुअर्ट मिल की है, और द सैंटानिक वर्सेज ये सलमान रुश्दी की है साथियों। चारों किताब वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। छठवें नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, देखिए, निम्न में से जो पुस्तक समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद क्या कर दी गई थी, प्रतिबंधित कर दी गई थी, वो पुस्तक कौन सी है? क्या वो ऑन लिबर्टी है, क्या लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, या द सैंटानिक वर्सेज है, या फ्रीडम फ्रॉम फियर है? सही उत्तर क्या होगा? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा द सैंटानिक वर्सेज, जो कि सलमान रुश्दी की पुस्तक है। एक वर्ग में विरोध हुआ था इसलिए इसको प्रतिबंधित कर दिया गया था। सातवें नंबर का क्वेश्चन है, राज्य को जहाँ तक संभव हो व्यक्ति के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट कथन है साथियों, कहा गया है कि भैया राज्य को जहाँ तक संभव हो व्यक्ति के मामलों में
किसी प्रकार का इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये बात किस भाई साहब ने बोली है? क्या ये लॉस्की ने बोली है, क्या ये जेएस मिल ने बोली है, या सीले ने बोली है, या मार्क्स ने बोली है? तो साथियों इसका सही उत्तर आप कमेंट्स के माध्यम से बताइए। इसका सही उत्तर हुआ जेएस मिल। ठीक है, एग्जाम में आता रहता है, इंपोर्टेंट है। आठवें नंबर का सवाल आप देख सकते हैं, निम्नलिखित में से जॉन स्टुअर्ट मिल का राजनीतिक सिद्धांत कौन सा था? पहला ऑप्शन है लाभ का सिद्धांत, दूसरा है हानि का सिद्धांत, तीसरा है उपयुक्त में से दोनों, और चौथा है भाई साहब इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा तो आप जरूर बता पाओगे जॉन स्टुअर्ट मिल का हानि का सिद्धांत चर्चित है, जो कि खास है, इंपोर्टेंट है। नवा क्वेश्चन आप देखिए, निम्नलिखित में से किसके अहिंसात्मक विचार आंग सान सू की के लिए प्रेरणा स्रोत रहे? अहिंसात्मक विचार मतलब आंग सान सू की के लिए प्रेरणा स्रोत रहे थे। तो इनमें पहला ऑप्शन आप देख सकते हैं गोपाल कृष्ण गोखले हैं, दूसरा गौतम बुद्ध है, तीसरा महात्मा गांधी है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो अहिंसात्मक विचारों के लिए हमारे इंडिया में महात्मा गांधी ही फेमस रहे थे, उनके विचारों से ये प्रभावित हुई थी साथियों, और उनके तरह ही अहिंसा को साथ में लेते हुए इन्होंने लंबा संघर्ष किया था, और अंत में इन्होंने अपने पति को तो खोया ही था, अपने बच्चों को विदेश में खोया था, और उसके बाद इन्होंने म्यांमार के लिए एक लंबा संघर्ष किया था लोकतंत्र के लिए। हालांकि महात्मा बुद्ध के भी विचारों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा था, लेकिन यहां पर अहिंसात्मक पूछा है, इसलिए महात्मा गांधी इज राइट आंसर। दसवें नंबर का आप क्वेश्चन पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज की रचना किस वर्ष की थी, स्थापना रचना किस वर्ष लिखी थी इन्होंने? क्या 1905 में लिखी, या 1907 में लिखी, या 1909 में लिखी, या साथियों 1912 में लिखी? तो आप इसका आंसर कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिए मुझे। कल मैंने आपको एक सवाल लास्ट में छोड़ा था कि इंटरनेट का प्रयोग करने वाला क्या कहलाता है, तो वो नेटिकल कहलाता है साथियों, नेटिकल। आज मुझे आप बताओगे कि महात्मा गांधी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज की स्थापना किस वर्ष की थी, कमेंट्स के माध्यम से आप बताना इसका उत्तर। अगर आप बताओगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं रोज़ आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।